फूडीज, माय नेम इज़ नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पैना कोटा। मैंने उससे पहले पैना कोटा बनाया है, वो था मैंगो पैना कोटा, और आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के डिमांड पे चॉकलेट पैना कोटा। तो आइए देखते हैं ये इटालियन डिजर्ट कैसे बनता है। इसके लिए चाहिए हमें एक कप फ्रेश क्रीम, हमने 3 चम्मच लिया है पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस, इसके लिए चाहिए 1.5 चम्मच अगर, और एक ही बोल हमने लिया है कोकोनट मिल्क। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रेश क्रीम लिया है 1 कप तो कोकोनट मिल्क लीजिए 1/2 कप। एक पैन लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गैस ऑफ करके उसमें डालेंगे क्रीम। ध्यान रखेंगे कि गैस बंद रहेगा क्योंकि हमको इसको बॉयल नहीं करना है। ऐड करेंगे इसमें शुगर और इसको कर देंगे एक अच्छा सा मिक्स। शुगर आप पिसा हुआ यूज़ करें और जितना आपको टेस्ट पसंद हो उतना यूज़ करें। इसमें ऐड कीजिए वैनिला एसेंस या वैनिला एक्सट्रैक्ट और उसको दीजिए एक अच्छा सा मिक्स। गैस थोड़ा सा ऑन करके हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, जस्ट इसको मिक्स करेंगे और हमको बॉयल नहीं देना है। जैसे ये देखिए गरम से ये बबल्स थोड़ा होने लगे, गैस फिर से ऑफ कर दीजिए। अब अगर में ऐड करेंगे पानी 2 चम्मच और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। हम इसके लिए गरम पानी ही यूज़ करेंगे। इस अगर के मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर एंड 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स और इसको अगेन हम छान लेंगे। इसको अच्छे से करेंगे फिर से मिक्स और अब करेंगे इसको ग्लास में सेट। एक ग्लास में ऐड करेंगे कोको पाउडर और कॉफी का मिक्सचर। इसको अब हम फ्रीजर में रखेंगे 4 घंटे के लिए। चॉकलेट पैना कोटा के लिए हमको चाहिए, जो उसके ऊपर के टॉपिंग के लिए हमें चाहिए कुछ चॉकलेट्स, अगर 1 चम्मच एंड फ्रेश क्रीम। हम माइक्रोवेव कर लेंगे तकरीबन 1/2 मिनट एंड अब हम क्या करेंगे, फ्रेश क्रीम को हम एक पैन में डालेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और इसको हमको जस्ट थोड़ा सा गर्म करना है और इसको हमको खोलाना नहीं है और जस्ट इसमें ऐड करेंगे ये चॉकलेट अच्छे से मिक्स। अब अगर मैं ऐड करेंगे पानी 2 चम्मच और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। हम इसके लिए गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं और इसमें ऐड करेंगे ये अगर और इसको देंगे अच्छा सा मिक्स। आप चॉकलेट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे डार्क चॉकलेट या जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो, और इसको खूब अच्छे से चला लेंगे। हमको इसको बहुत गर्म नहीं करना है, गैस करेंगे ऑफ और इसको पूरा तरीके से हम ठंडा करेंगे। और ये देखिए जिसको हमने फ्रिज में डाला था ये अच्छे से नीचे वाला जम चुका है और इसके ऊपर अब हम ये चॉकलेट वाला डालेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने ये डाल दिया चॉकलेट वाला मिक्सचर। अब इसको हम फ्रीज करेंगे अगेन 4 से 5 घंटे के लिए या जब तक ये जम ना जाए। और ये देखिए चॉकलेट पैना कोटा है और इसको अब हम ड्रिजल करेंगे कुछ चॉकलेट से। बच्चे को चॉकलेट पैना कोटा बहुत ही पसंद है। जब मैंने उसे मैंगो पैना कोटा दिया तो उसने मुझे बोला, क्या मम्मा ये चॉकलेट से भी बन सकता है? बस फिर क्या था, मेरा R&D वाला डिपार्टमेंट एकदम तैयार हो गया और मैंने झटपट अगर की हेल्प से मैंने बनाया एक चॉकलेट पैना कोटा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप भी ये वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फीडबैक्स दीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का बटन है उसे प्रेस कीजिए मेरे डेली नोटिफिकेशंस के लिए। मैं नलिनी इजाजत चाहती हूँ, नमस्कार।